नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। पुरी के शंकराचार्य ने पद्मावती के निर्माताओं को माफी मांगने के लिए कहा। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने पर पद्मावती के निर्माता माफी मांगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में रानी पद्मावती पद्मिनी के चरित्र से छेड़छाड़ की गई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती शुरू से ही विवादों में रही है। शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म पूरे देश में 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। शंकराचार्य ने कहा, हम उन्हें फिल्म निर्माताओं किसी दंड की धमकी नहीं दे रहे हैं। हम सुझाव देते हैं कि वे अपनी गलती पर खेद प्रकट करें और माफी मांगें, ताकि भारत के इतिहास से कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करे। निर्दलीय विधायक और भींडर राजघराने के सदस्य ने फिल्म का विरोध किया। वहीं उदयपुर के भींडर राजघराने के सदस्य एवं वल्लभनगर से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह भींडर ने कहा कि राजस्थान में हम लोग किसी भी हालत में पद्मावती फिल्म को पर्दे पर नहीं उतरने देंगे। भींडर ने सोमवार को उदयपुर में कहा कि कोई हमारे पूर्वजों पर फिल्म बनाए और उसमें कोई भी आपत्तिजनक चीजें डालेगा तो हम उसका विरोध तो करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, कानून और व्यवस्था का भी मामला नहीं है, ये हमारी अस्मिता का मामला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की कानून व्यवस्था बनाने की बात पर हम साथ हैं। हम सभी कानून को मानने और उसकी पालना करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर बात अस्मिता की है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भींडर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया। विधायक भींडर ने कहा कि संजय लीला भंसाली फिल्म निर्माता के प्रतिनिधि ने कहा था कि राणा रत्न सिंह जी के वंशज महाराणा महेंद्र सिंह जी व उनके परिवार को फिल्म की पटकथा दिखाकर ही फिल्म बनाई जाएगी, परंतु ऐसा नहीं किया गया और न ही फिल्म पूरी होने पर परिवार को बताई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो 24 नवंबर को उदयपुर कलेक्ट्रेट पर एक विशाल धरना दिया जाएगा। धन्यवाद।